हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं HBTU काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। HBTU का क्या शेड्यूल है कंप्लीट आपको पोर्टल पे ले जाके दिखाएंगे, ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में पूरी डिटेल आपको दे देंगे, क्योंकि HBTU की वेबसाइट को लेकर थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को है। वो HBTU सर्च करते हैं तो डेफिनेटली HBTU के दो पोर्टल्स हैं, तो जो आपका मेन काउंसलिंग वाला लिंक है, काउंसलिंग पोर्टल है, वो अलग है। उस लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहां पे लैंड कर सकते हैं क्लिक करके। और इसी के साथ आपको HBTU की काउंसलिंग में देखिए अभी टाइम बहुत है, 26 से इनका जो शेड्यूल आया है, एक बार शेड्यूल देख लेते हैं जल्दी से। जो भी इनका शेड्यूल है वो कहीं ना कहीं जो स्टार्ट हो रहा है, 26 से इनका शेड्यूल स्टार्ट हो गया था, जिसमें अभी रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। और यहाँ पर 3 से 4 बच्चों की हमने काउंसलिंग, जिन बच्चों ने हमारे यहाँ काउंसलिंग पैकेज ले रखा है उन बच्चों की काउंसलिंग हो भी चुकी है। तो फिलहाल मैं पूरा पोर्टल लॉगिन करके दिखाऊंगा कि आपको HBTU की काउंसलिंग अगर करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, एकदम सिंपल काउंसलिंग होती है। HBTU में कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। HBTU का काउंसलिंग अगर सिर्फ आपको सिंगल काउंसलिंग करना है, इवन जस्ट आपको नॉर्मल आपको अगर गाइडेंस सही से मिल जाता है, जस्ट इसका काउंसलिंग आप कर सकते हैं। इसमें बहुत ज्यादा चॉइस फिलिंग नहीं होते, सिंगल कॉलेज है तो उसके जो लिमिटेड चॉइस फिलिंग है वही आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए कोई कंफ्यूजन वाली बात होती नहीं है। फिलहाल चलिए एक बार देखते हैं डेट शेड्यूल क्या रहा है। अगर मैं डेट शेड्यूल की बात करूं तो ये रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन का इन्होंने डेट दिया था 26 अगस्त, 26 अगस्त इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसके साथ साथ ये जो रजिस्ट्रेशन चलने वाला है ये 30 सितंबर तक चलने वाला है, 30 सितंबर तक जाने वाला है। एक महीने का पूरा आपको टाइम मिल रहा है, यहाँ पे आराम से आप एट द एंड भी रजिस्टर कर सकते हो। ये जो चीजें कहीं ना कहीं काउंसलिंग का जो डेट या रजिस्ट्रेशन शेड्यूल किया गया है वो डेफिनेटली सारी चीजें देखने के बाद समझने के बाद, क्योंकि पैरेलल जो काउंसलिंग होगी वो भी चल रही होंगी, जोसा की काउंसलिंग भी आपकी 11 सितंबर से स्टार्ट होने वाली है वो भी चल रही होगी, साथ में UPSEE की जो बहुत ही इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है यूपी वाले स्टूडेंट्स के लिए, वो भी काउंसलिंग आपकी स्टार्ट होने वाली है कल से। काउंसलिंग पोर्टल पे इन्होंने अपडेट कर दिया है UPSEE काउंसलिंग के लिए, लेकिन उसके लिए स्पेसिफिक अभी शेड्यूल नहीं आया है। लेकिन जनरली क्या होता है कि कोई भी काउंसलिंग स्टार्ट होने से पहले पूरा उसका प्रॉपर शेड्यूल आता है, उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होती है। फिलहाल ये आपको कल क्लियर हो जाएगा। HBTU की बात कर लेते हैं। HBTU में आपको रजिस्ट्रेशन के लिए प्रॉपर जो लास्ट एडमिशन है HBTU में कब तक आपके लिए चांस रहेगा, एक इंपॉर्टेंट बात कि आपको रैंक वाइज बता देते हैं कि भाई कितने रैंक वाले स्टूडेंट्स इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने चाहिए। देखिए, अगर आप किसी भी जनरल कैटेगरी से आते हो, अगर आपको टॉप की ब्रांच चाहिए तो आपकी CS IT EC चाहिए, EC तो यहाँ पे नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है, CS चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, या फिर आपको अदर कोर ब्रांच में एडमिशन चाहिए सिविल के अलावा। सिविल में जो है कहीं ना कहीं काफी लास्ट तक एडमिशन होते हैं, लेकिन इस बार का जो जिस तरीके से सिनेरियो देखने को मिल रहा है तो उतनी कट ऑफ जाने के चांसेस नहीं है। किसी भी काउंसलिंग में आपको बता दे रहा हूं, पिछले 4 साल से हमारी टीम काउंसलिंग कर रही है, जितने भी काउंसलिंग्स हैं आपका, चाहे UPSEE हो, चाहे आपका HBTU हो, MMUT हो, जोसा हो, सीसा हो, जितने भी काउंसलिंग पोर्टल्स हैं, लगभग कहीं ना कहीं इस बार आपकी जो कट ऑफ्स हैं वो उतने ज्यादा एक्सटेंड नहीं करेंगे। स्पेशली अगर मैं कैटेगरी की बात करूं, EWS कैटेगरी का कट ऑफ उतना ज्यादा नहीं जाएगा, ये मैं आपको आज इस वीडियो में अभी बोल दे रहा हूं। लास्ट वीडियो के बिल्कुल भी डराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि लास्ट के 2019-20-21 में की अगर मैं बात करूं, जब आपका ये EWS इंट्रोड्यूस हुआ था तो EWS बहुत ज्यादा लोगों के पास EWS सर्टिफिकेट नहीं था। इवन इस बार की मैं बात करूं, जो मैंने अपने नियर बाय देखा, जितने भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स से बात हुआ, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो EWS की कैटेगरी में शायद में भी थोड़ा बहुत नहीं आते हैं, बट उन्होंने EWS का सर्टिफिकेट थोड़ा सा बेनिफिट के लिए एडमिशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बनवा रखा है। इससे पहले क्या होता था कि EWS में उतने ज्यादा एप्लीकेंट नहीं थे, कई जगह पे EWS की सीट्स भी वैकेंट थे, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे कॉलेजेस की मैं बात कर रहा हूं, तो उन सब चीजों का इंपैक्ट आपकी फाइनल काउंसलिंग में, इस बार की काउंसलिंग में डेफिनेटली देखने को मिलेगा। तो थोड़ा सा और स्मार्ट तरीके से काउंसलिंग करना होगा। डेट्स की बात कर लेते हैं। डेट्स जो है आपके राउंड वन का जो काउंसलिंग है वो आपका 4 अक्टूबर, 13 सितंबर तक, 30 सितंबर तक रजिस्ट्रेशन के बाद पहला राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट होगा, जिसका रिजल्ट आपको 4 अक्टूबर को आपका पहला रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपका HBTU का फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आपको 4 अक्टूबर को देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं क्या आपको रिजल्ट देखना है, अगर आपका अलॉटमेंट हो जाएगा तो फ्रीज एंड फ्लॉट के 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। फ्रीज का मतलब आप सीट लेना चाहते हैं, फ्लॉट का मतलब आप सीट को होल्ड करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, सीट को छोड़ना नहीं है बट वो सीट जो आपको मिली है उसको आपको होल्ड करना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। जिन बच्चों को अलॉटमेंट नहीं मिली होगी उन बच्चों को ऑब्वियसली अपने आप ऑटोमेटिकली आप सेकंड राउंड में चले जाएंगे। इसके बाद आपका 5 से 8 अक्टूबर के बीच में पहले राउंड वाले बच्चों का रिपोर्टिंग होने वाला है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपॉजिट बैलेंस एकेडमिक फी। जो भी बच्चे फ्रीज करेंगे, एडमिशन अपना कंफर्म करेंगे, उनको अपनी फी डिपॉजिट करनी होगी कॉलेज में, जो कि 1,35,000 है, कंप्लीट फीस आपको डिपॉजिट करना होगा। इसके बाद आपका फिर दोबारा से जो भी वैकेंट सीट आएंगी, तो अगर आप काउंसलिंग से विड्रॉ करना चाहते हैं, बाहर आना चाहते हैं, आपको कोई XYZ सीट मिला है, आप फ्लॉट भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप 9 अक्टूबर को विड्रॉ भी कर सकते हैं, ये डेट याद रखना। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कहीं ना कहीं विड्रॉ करेंगे लास्ट में बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हो सकता है आपको ऑलरेडी किसी
दूसरे का भी रिजल्ट आ जाए, जूसा का आ जाए, किसी अदर काउंसलिंग में आपका हो जाए, तो आप हो सकता है विड्रॉ करना चाहें तो आप यहाँ पे विड्रॉ भी कर सकते हैं। 9th अक्टूबर को विड्रॉ कर लेंगे, वैकेंसी रिपोर्ट होगी 10th अक्टूबर को, उसके बाद सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट आएगा 11 अक्टूबर को। इस तरीके से काउंसलिंग चलेगी, फिर सेम प्रोसेस होगा फ्रीज एंड फ्लॉट का, सेकेंड राउंड में भी आपका फ्रीज एंड फ्लॉट का प्रोसेस होगा, उसका जो विड्रॉल वगैरह होगा, फिर आप एक बार 16 तारीख को 16 अक्टूबर को विड्रॉ कर पाएंगे। 17th अक्टूबर को फिर से आपकी वैकेंसी रिपोर्टिंग होगी, जो भी वैकेंट सीट्स होंगी उनके अगेंस्ट जाके की काउंसलिंग होगी। सेम वे में आपका थर्ड राउंड चलेगा, थर्ड राउंड के बाद आप जो एक सबसे इंपॉर्टेंट राउंड है जिसमें बहुत ज्यादा रैंक तक एडमिशन मिलता है, दैट इज स्पॉट राउंड, जिसको हम मॉपअप राउंड या स्पॉट राउंड लास्ट का स्पॉट राउंड कह देते हैं, लास्ट राउंड कह सकते हैं। तो वो आपका यहाँ पर स्पॉट राउंड का जो डेट है वो अभी अनाउंस नहीं किया गया है, वो इन तीनों राउंड काउंसलिंग खत्म होने के बाद आपका डेट अनाउंस किया जाएगा। तो ये कंप्लीट शेड्यूल है, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बस पोर्टल दिखाने वाला हूँ कि SBDU का काउंसलिंग पोर्टल कैसा है, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है और कैसे अपना क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे कि नहीं लगेंगे, वो सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में कंफर्म हो जाएंगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।